वालेकुम आज 25 अक्टूबर 2023 है बुध का दिन है आज की वीडियो हमारी फौजी फर्टिलाइजर कंपनी के हवाले से ये कंपनी बेसिकली मैं इस पर इस साल तीसरी वीडियो प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ जिसमें अगर हम देखा जाए तो इसमें पिछली दो प्रजेंटेशन में मैंने बाइकिंग कॉल दी थी और मैंने बोला था इसको बाई करें और ये ऊपर जाएगा जिसमें प्राइस उस वक्त सौ पे भी थी और नाइन्टी पे भी थी और जिसे आज इसने अनाउंस किया तो मैंने बड़ी क्विक प्रेजेंटेशन बनाई है जिसमें इसका एक्शन प्लान बताया उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को जिक्र किया है तो आज के हमारी चार चीजों को कवर करूंगा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस डिविडेंड शेयर प्राइस और एक्शन प्लान फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें ये मेरे ये जून की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है और आज ये ये फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सितंबर की है जो आज अनाउंस हुई सितंबर की अगर हम फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो ये बेसिकली बेहतर रही है और तो अगर रेवेन्यू वाइज देखा जाए पैंतालीस परसेंट पिछले साल से पिछले नाइन मंथ से इस साल के नाइन मंथ बेहतर रहे जितना तरह प्रॉफिट और कॉस्ट भी इसी तरह एक चीज इंटरेस्टिंग बात में अदर इनकम पर बार बार मेरा फोकस होता है जितनी मैंने पिछली कंपनीज को इवेल्यूएट है अदर इनकम इसकी मेजर इंक्रीज आया अगर हम देखें देखें यहाँ पे साढ़े आठ से साढ़े ग्यारह तकरीबन चालीस फीसद इसने इंक्रीज हुई अदर इनकम तो आजकल के दौर में जब कंपनी पाकिस्तान में फाइनेंशियल चैलेंजेस है कंपनी कम, कम, बिजनेस भी कर सकती है तो उनकी अदर इनकम बड़ा मेजर रोल प्ले करती है कंपनी को आगे बढ़ने का जैसे कि आपको को एलिमो कैप को है एक ऐसी पावर कंपनी लाइसेंस का चैलेंज है तो उसकी अदर इनकम इसको खिला रही है तो एक अदर इनकम एक कंपनी ने बिल्टअप करना जिस जिस कंपनी शुरू किया ना वो बड़ी अच्छी पॉइंट पे और मैं देख रहा हूँ एफ ने बहुत ज़्यादा बिल्टअअप किया है और बहुत ज़्यादा ग्रो भी करी है इनकी अदर इनकम तो ये शो कर रहा है कि इनकी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म और अदर नॉन ऑपरेशनल की तरफ भी है इनका फोकस ईपीएस देखा जाए तो ईपीएस ने भी मेजर इंक्रीज किया साढ़े नौ से साढ़े उन्नीस से साढ़े सत्ताईस पे तो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस वाइज बड़ी अच्छी रही है अब डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड के मामले में थोड़े से ये चोर तो नहीं बोलूंगा लेकिन ये बोलूंगा कि डिविडेंड के मामले में ये थोड़ा कम देते हैं लेकिन एक चीज मैं बताऊं इनके ये इनकी इस कंपनी अच्छी चीज हर हर क्वार्टर पे डिविडेंड देती है तो जो कंपनी हर क्वार्टर पे डिविडेंड देती है तो इससे इससे इस, इस तरह की कंपनी में ना शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर का जो शॉर्ट टर्म पे बाइंग एंड सेलिंग करा था उसको उसकी जो चांदनी है वो उसकी वैल्यू थोड़ी ऊपर नीचे काफी होती है डिविडेंड के दौरान तो काफी ज्यादा गेम कर सकता है जैसे आप अगर मेरी पिछली वीडियो को उठा ले तो इसमें इसकी वैल्यू नाइनटी थी और से पिछली वीडियो उठा ले तो इसमें सौ थी और आज आज देखिए एक सौ छः पे भी गया था और फिर एक सौ दो पे या एक सौ एक पे बंद हुआ है तो इस हिसाब से इसके तो शॉर्ट टर्म को काफी रूम मिलता है कि बाइंग या सेलिंग कर सके अगर इसकी डि, डिविडेंड की बात करें तो साढ़े तीन चार रुपये से डिविडन दिया है पिछले और पूरे साल का कर टोटल करें तो साढ़े ग्यारह रुपये बनता है जो कि ग्यारह परसेंट डिविडेंड यील्ड है अभी एक सौ दो के हिसाब से तो मुझे लगता है ये थोड़ा सा कम है कंपेयर टू जो दूसरे शेयर्स मार्केट में अवेलेबल है तो इस हिसाब से कम है लेकिन वैल्यू मतलब इस कैपिटल होता है इसका मैंने पिछले 92 पे मिलेगा और ये डिविडेंड की इनकी बुक क्लोजर है नवंबर छ को मतलब इसका मतलब है कि आपने नवंबर एक या दो को लास्ट डे होगा नवंबर छ मंडे बनता है तो आप वेनेसडे या थर्सडे को शेयर ले लेंगे तो तो आप डिविडेंड के लिए इंटाइटल है और यही बात उनके लिए भी अगर शॉर्ट टर्म वाला है तो उस दौरान नवंबर छह से पहले बेच सकता है और फिर तो वो उस दौरान बाइंग एंड सेलिंग करके इन एंड आउट होके गेन कमा सकता है आज से लेके दो नवंबर तक प्राइस एक्शन की बात करें तो अभी एक पे है और आज ये नीचे क्यों चला गया काफी ठक करके डिप मारी आफ्टर डिविडेंड अनाउंसमेंट एक उसकी वजह ये कि कि लोग बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बहुत ज्यादा डिविडेंड देगा मुझे ये नहीं समझ पड़ती आप हर आदमी इतना क्यों एक्सपेक्ट करता है जबकि ये कंपनी पूरे क्वार्टरली डिविडेंड देती है तो उससे हर क्वार्टर पे तीन चार रुपए से ज्यादा एक्सपेक्ट करना ही नहीं है सबसे बेसिक इसका एक तो प्रिंसिपल बना ले। ये कंपनी ऐसा नहीं दस रुपए या बारह रुपये डिविडन देगी जितना कमाएगी उतना डिविडेंड देगी अक्रॉस द दे ईयर देती है बाकी दूसरी कंपैरिजन में जो कंपनीज है एंग्लो फर्टिलाइजर है वो हर क्वार्टर नहीं देती वही एक क्वार्टर छोड़ के देती तो इसलिए उसका अमाउंट और डिविडेंड का अमाउंट बढ़ा है तो उससे कंपेयर की वजह से लोग शॉर्ट टर्म वाले पूरी रिसर्च करते नहीं और फिर वो ऐसी न्यूज पता चलती है तीन रुपये डिविडेंड दिया थक करके उन्होंने सेल ऑफ किया और मार्केट नीचे आ गई इस पर्टिकुलर शेयर की प्राइस नीचे आ गई तो ये है बाकी अब एक्शन प्लान क्या है इस पर करना क्या है? चाहिए मैं मैंने वैसे आपको क्लियरली बताऊं मैंने इस पे पहले बाइंग कॉल की थी, थी लॉन्ग टर्म के लिए मैंने और इसके साथ साथ ही शॉर्ट टर्म पे थोड़ा मैंने उठाया था नाइन्टी थ्री और नाइन्टी फोर पे और ये मैंने कल सेल आउट कर दिया एक सौ छह पे अब मैं सोचा वापस मैं एंट्री लू सौ से नीचे और लॉन्ग टर्म तो मैंने होल्ड किया हुआ ये लेकिन शॉर्ट टर्म पे के लिए मैं सौ से नीचे उठाऊंगा और वो देखता हूँ मैं इसको नवम्बर आफ्टर शेयर सेल करने का सोचूंगा एक्शन प्लान क्या है लॉन्ग टर्म वालों के लिए लॉन्ग टर्म वालों के लिए एक्शन प्लान है अगर सौ से नीचे है तो उठा ले बहुत अच्छा शेयर है कंपनी वाइज प्रोफिबल वाइज बहुत अच्छा है और और मुझे मुझे ऐसा लगता है अभी एक सौ दो पे लेकिन ये बुक क्लोजर से पहले ही सौ पे आएगा फिर वापस ऊपर जाएगा सो तो मुझे तो उसको कंटिन्यूली वॉच करो सौ से नीचे आए तो बाय करो और अगर सौ से नीचे नहीं आता और बुक क्लोजर आए थे तो फिर मैं बोलूंगा ये वाला डिविडेंड को मिस आउट करो पोस्ट बुक क्लोजर इसको बाय करना और शॉर्ट टर्म वाले के लिए वही मतलब कोई इसमें नई साइंस नहीं, नहीं शॉर्ट टर्म वाला एक से दो के दर बुक क्लोज जाओ उससे पहले पहले उठा के इन एंड आउट कर सकता है और एक से दो रुपए इजीली कमा सकता है बाकी यही मेरा मशवरा है कि केयरफुली करें मार्केट थोड़ी फिफ्टी पे पहुंची हुई है तो थोड़ा सा ख्याल करें क्योंकि इस वक्त वॉलिटिलिटी ज्यादा है ये शेयर मुझे मुझे मेरे हिसाब से ये शेयर सौ से सौ या सौ से थोड़ा नीचे का है सौ से ऊपर का फिलहाल मार्केट कंडीशन पे नहीं है बुक वैल्यू लाजमी होगी इसके सौ से ऊपर पोटेंशियल वैल्यू भी हो सकती है सौ से ऊपर लेकिन फिलहाल मार्केट कंडीशन पे इलेक्शन भी होने सब चीज को माइंड में मद्देनजर रखते हुए मुझे नहीं लगता ये से ऊपर की चीज है ठीक है तो कीप दिस इन माइंड और लॉन्ग टर्म वाले सौ से इंच बाय करें फॉर लॉन्ग टर्म थैंक यू जजाकला अगर कोई भी आपका कमेंट हो वीडियो के हवाले से जिक्र करना है इनशाला उस पर हम कोई इम्प्रूवमेंट पॉइंट कवर करें के एम आई थर्टी वाली मेरी बात नोट की भी है और मैं मूविंग फॉरवर्ड प्रेजेंटेशन में इसको लाजमी कवर करूंगा एफ एफ सी से रिलेटेड इसी शेयर से रिलेटेड अगर डिटेल में इसका बैकग्राउंड वगैरह समझना है समझने, तो मैंने पिछली दो वीडियो लिंक में डाल देता हूँ आप देख लें काफी डिटेल में मैंने बताया जयला